हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके रिश्ते के लिए अगले 24 घंटे कैसे रहेंगे। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स इस रिश्ते के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है, एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस रिश्ते के टुवर्ड्स कैसी रहेगी। तो निकालते हैं कुछ कार्ड्स इस शफल डेक से। स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स में लूंगी आपके पर्सन की तरफ, एंड नेक्स्ट 2 कार्ड्स हम लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, आपकी तरफ देखते हैं। फर्स्ट कार्ड तो है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज्यादा गिल्ट में आज के दिन में आ सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लेंगे और जिनका ब्रेकअप सिचुएशन ही चल रहा है, काफी समय हो गया खुद से क्रिएट करते करते इस रिश्ते में, तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी सोच सोच के कि यार मैं तो ऐसा हूं या ऐसी हूं लेकिन पार्टनर नहीं आ रहा है, या पार्टनर को मुझसे प्यार क्यों नहीं है, अब वो मेरे लिए क्यों एफर्ट्स नहीं देना चाहता, और मैं भी इतनी पैशनेट हूँ, मैं हर एक चीज को अच्छे से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे साथ सब कुछ ऐसे ही होना लिखा है, या मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं बदलेगा। तो आपको अपने बेस्ट होने के बाद भी हालात पर, सिचुएशंस पर डाउट हो सकता है। हो सकता है कि ये सोच सोच कर ही आपकी रात भी बीती हो। आप ऐसी एनर्जी में रहें कि यार मुझे तो पता है मैं बेस्ट हूँ, मैंने सब कुछ अच्छा किया है और ऑनेस्टी के साथ एक एक चीज की है। आप डिवाइन को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में काफी ज्यादा ब्लॉकेज देखा है, संघर्ष देखा है, और सब कुछ सही होने के बाद भी, लाखों एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं बदल रहा, उल्टा आपकी सफरिंग है लाइफ में, आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये आपका माइंडसेट आज के दिन में रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप से ही डील कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ लव की एनर्जी में आए, आप उस शेल को ब्रेक करें जिसमें आप काफी समय से चल रहे हैं, आप अपने हाई वाइब्रेशंस में आएंगे और इन नेगेटिव चीजों को पास्ट में छोड़ेंगे और अपने ऊपर शानदार तरीके से काम करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुद से क्रिएट करेंगे, खुद के मालिक होंगे, अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है। रिश्ता एक तरफ, लेकिन आप खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहले लायक, सबसे पहले आप एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए। तो आप सेल्फ लव की वाइब्रेशन को समझेंगे, ठीक है, अपने रिश्ते से बहुत ऊपर जाके। आपके पोर्सन की तरफ देखते हैं, इनकी तरफ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं या करेंगे अगले 24 घंटे के अंदर। आपको देखना फिर गायब हो जाना, आपसे मिलने आना फिर चले जाना, थोड़ा सा मैसेज किया उसके बाद गायब हो गए, ऑन एंड ऑफ रहेगा एनर्जी में, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, और जिनके नहीं कह रहे हैं बातचीत ही नहीं है। आपको लेकर कुछ अगर ये डिसीजन बनाना चाह रहे हैं तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कि ऑन एंड ऑफ बंद हो जाए और ये आपकी तरफ डिसीजन ले लें, क्योंकि गोल तक पहुंचने की एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स की। ठीक है, आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर सकते हैं, आप कुछ सुनना चाह रहे हैं, आप कुछ डिसीजन चाहते हैं और ये आ रहे हैं जा रहे हैं, मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है इनका। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स। आज के दिन में आपके पर्सन को भी कहीं किसी सिचुएशन में इंतजार करना पड़ सकता है, आपके साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट देने के लिए दोबारा सोच सकते हैं। ये ऐसे हो सकते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, चाहे इससे पहले उन्होंने आपसे बहुत वक्त मांगा है, बट दे विल टेक देयर टाइम। ठीक है, ये समय लेंगे अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों पर काम करने के लिए ये टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, आज के दिन में ये आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें कर दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मेरी सैलरी आने दो, ये थोड़ा सा वेट करो, मुझे और 2 महीने दे दो इस फैसले को करने के लिए। या कुछ लोगों के पार्टनर 2 साल तक का टाइम आपको बोल दें, आपको बोल के चले कि देखो 2 साल लग सकते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है, जैसे वेट कर रहे हैं और वेट करवाएंगे भी। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपके रिश्ते की अगले 24 घंटे की एनर्जी। थोड़ा पेशेंस के साथ डील किया कीजिए जब सेल्फ लव में आते हैं,
ये तो हमेशा होता है कि जब चीजों पे देर होती है तो कुछ अच्छा होता है। तो आपको अपने ही कर्मों पे विश्वास भी रखना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है। सो ये थी एनर्जी, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।